साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए लाहौर जिला कचहरी पेश कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाप्त करेंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। इसी बारे में बात करते हैं, अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइए इस बारे में मुकदमा किस दफात के तहत दर्ज किया गया है, कितने इम्कान हैं कि उनका जिस्मानी रिमांड आज मंजूर हो जाएगा? आज जी साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज रावलपिंडी से एंटी करप्शन ने जो है वो गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियां की हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने जो है वो आज अदालत पेश कर दिया है और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। अदालत से एंटी करप्शन के हुकाम भी मौके पर मौजूद है और इस मौके पर पुलिस की बड़ी नफरी भी तैनात की गई है। परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड जो है वो एंटी करप्शन के हुकाम की तरफ से मांगा गया है, लेकिन अभी तक जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो इस केस की समाप्त कर रहे हैं और इस दौरान एंटी करप्शन का कहना था कि अगर वो जिस्मानी रिमांड लेते हैं तो फिर उनसे पूछगूछ की जाएगी। जो लाहौर मास्टर प्लान के अंदर उनमें बेज़ाब्तगियों का इल्जाम आयद किया गया है उससे मुतल्लिक पूछगूछ की जाएगी, लेकिन अभी तक समाज जो है वो चल रही है और जिस्मानी रिमांड मिलता है या नहीं मिलता इसका फैसला तो जाहिर है कि जज नहीं कर रहे हैं और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो इस केस की समाप्त कर रहे हैं। और परवेज इलाही की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो लाहौर बार के सदर भी हैं राणा इंतजार हुसैन, जिन्होंने जो है वो दलाइल दिए हैं परवेज इलाही के हक में और अब जो है जो केस की समाअत की जा रही है। शुक्रिया अदनान, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे।